शाम का वक्त था, दुकानदार दुकान बंद कर रहा था। तभी सामने से एक लड़का दौड़ा चला आता है और कहता है, रुको रुको, मुझे एक जोड़ी चप्पल चाहिए। दुकानदार कहता है, ठीक है, साइज बताओ। तो वह लड़का पर्स में से कागज निकालते हुए दिखाता है दुकानदार को और कहता है, मुझे इस साइज की चप्पल चाहिए। दुकानदार कहता है, ये तो किसी के पाँव का अंडरलाइन है। लड़का कहता है, हाँ, ये मेरे माँ के पाँव का अंडरलाइन है। दुकानदार कहता है, ऐसा क्यों, तुम्हें साइज नहीं पता? तो लड़का कहता है, नहीं भैया, उन्होंने कभी आज तक चप्पल नहीं पहनी, इसलिए मुझे उनके साइज का नहीं पता। दुकानदार अंदर जाता है और उस साइज के अंदाज से चप्पल ले जाता है। वह लड़का दुकानदार को पैसे देता है और जाने लगता है। तभी दुकानदार कहता है, रुको एक मिनट। वह अंदर से एक जोड़ी चप्पल और लाता है उसी साइज के, और उस लड़के को देते हुए कहता है, ये लो, अपनी माँ को देना और कहना ये तुम्हारे दूसरे बेटे ने दिए, और हाँ, आगे से याद रहे, माँ कभी नंगे पाँव ना रहे। इसके बदले मुझे आपके पर्स में जो कागज है वो मुझे दे दो। वह लड़का वो कागज उसे दे देता है और दुकानदार जाता है सुबह अपने मंदिर में रख देता है कागज। जब उसके नौकर देखते उसे तो कहता है, मालिक ये क्या है, ये तो किसी के पाँव के निशान है, आपने इसे मंदिर में क्यों रखा? तो दुकानदार भावुक होकर कहता है कि यह साक्षात माँ लक्ष्मी के चरण है, जिन्हें पूजने से हमें कभी धन की कमी नहीं होगी। माँ लक्ष्मी की कृपा रही तो हमारे व्यापार में और बढ़ोतरी होगी। और वह दुकानदार पूजा करने में लग जाता है।